Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed poem 2, Palanquin Bearers. And I'm sure all of you must have completed all the exercise of poem 2. Now, students, today I'm going to start with lesson 5 of your Wordsworth English Reader book, that is Jack and the Beanstalk. So, all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 43. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 43 as I'll be going to start lesson 5, Jack and the Beanstalk. Fine? So, students, this lesson is in two parts. The first part is lesson 5, Jack and the Beanstalk, and the second part is lesson 6, that is Jack discovers new world. So in this we are going to read about a young boy named Jack, how he lived with his mother, and then one day when he went to the market to sell his cow, he exchanged his cow for a handful of beans. And then the next morning, what did he saw? That the beans which he had sowed in the soil last night had grown into a huge beanstalk. And then this story is all about the beanstalk, how Jack climbs and discovers a new world. So I'm going to start with lesson 5, Jack and the Beanstalk. This is a fairy tale. You can listen to the story, read it and imagine. Fine? Now, before I start with the lesson, children, let's write the new words and let's understand the meaning of the new words. So please take out your English notebooks. Give the heading lesson 5. Write today's date, that is 16 August 2021, and the name of the lesson, Jack and the Beanstalk. Now let's start with the wow words of this lesson. So, children, the first new word is belonging. B-E-L-O-N-G-I-N-G-S. Belongings. Belongings means possession. कि आप आपका घर का जितना भी सामान है वो आपकी belonging है, वो आपका है, कोई दूसरे का नहीं है. तो जो चीज किसी particular person को या बिलोंग करता है तो उस चीज को हम बिलोंगिंग कहते हैं कि ये उसका सामान है. पोजेशन आप कहते हो ना, दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेंसिल बॉक्स, दिस इज माई ड्रेस. तो जो आपका है वो आपका पोजेशन है, वो आपका बिलोंगिंग्स है. क्लियर? सो द फर्स्ट वर्ड इज बी ई एल ओ एन जी आई एन जी एस, बिलोंगिंग्स. द सेकेंड वर्ड चिल्ड्रन इज वर्थ, डब्ल्यू ओ आर टी एच, वर्थ. एंड वर्थ मीन्स ऑफ एनी वैल्यू, जिसकी कोई कीमत हो, है ना. सो वर्ड मीन्स ऑफ एनी वैल्यू. देन द थर्ड वर्ड इज बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स डियरली लव, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, है ना. सो बिलव्ड मीन्स डियरली लव, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, है ना. जैसे आपकी मदर के आप बिलव्ड हो, है ना. मम्मी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आपकी मम्मी आपके लिए बिलव्ड है. यू लव हर अ लॉट. देन द फोर्थ न्यू वर्ड इज हसल बसल, एच यू एस टी एल ई हाइफ़न बी यू एस टी एल ई, है ना. हसल बसल मीन्स बहुत चहल पहल. जब हम मार्केट जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, तो वहां देखते हो ना कितना शोर शराबा होता है, मूवमेंट्स होते हैं, नई नई चीजें दिखती. तो जो चहल पहल है उसको हम क्या बोलते हैं? हसल बसल, एच यू एस टी एल ई हाइफन. इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइफन. एंड बी यू एस टी एल ई बसल. देन द फिफ्थ वर्ड इज ईगर, ई ए जी ई आर, ईगर. एंड ईगर मीन्स एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, बहुत क्यूरियस, है ना. सो दैट इज ईगर. देन द सिक्स्थ वर्ड चिल्ड्रन इज एक्सचेंज. एक्सचेंज करना तो सबको पता ही है ना, अदला बदली करना. ई एक्स सी एच ए एन जी ई
एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन कोई भी चीज अदला बदली करना. नाउ द सेवेंथ वर्ड चिल्ड्रन इज रिफ्यूज, आर ई एफ यू एस ई, रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स टू से नो. किसी भी चीज के लिए मना करने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूज करना, मना करना, रिफ्यूज करना. देन द एट वर्ड इज फ्यूरियस, एफ यू आर आई ओ यू एस, फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में. हाँ, सो बहुत गुस्से को क्या बोलते हैं, फ्यूरियस. देन द नाइन्थ वर्ड इज जायंट, जी आई ए एन टी, जायंट. जायंट मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज, बड़ा. कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, जायंट, जी आई ए एल टी. एंड चिल्ड्रन आई हैव सीन अ कॉमन मिस्टेक, बच्चे क्या करते हैं, जी के बाद ए लिखते हैं फिर आई लिखते हैं. सो डोंट डू दैट, कीप इन माइंड कि जायंट में जी के बाद पहले आई आता है. क्लियर? देन द टेंथ वर्ड इज कॉटेज, सी ओ डबल टी ए जी ई, कॉटेज. एंड कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, छोटे से घर को हम कॉटेज बोलते हैं. ठीक. देन द इलेवेंथ वर्ड इज मियर, एम ई आर ई, मियर. एंड मियर मीन्स ओनली, ओनली, सिर्फ वो ही. एम ई आर ई मियर मीन्स ओनली. एंड द लास्ट वर्ड इज स्पेक, एस पी ई सी के, स्पेक. एंड स्पेक मीन्स स्मॉल मार्क और स्मॉल पीस, है ना, छोटा सा कुछ, कोई भी छोटा सा निशान हो या छोटा सा टुकड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक. सो दीज आर दी 12 न्यू वर्ड्स, लेट्स रिवाइज देम, देन आई विल इरेज एंड राइट दी वर्ड मीनिंग्स. चिल्ड्रन दी फर्स्ट वर्ड इज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स पोजेशंस. दी सेकेंड वर्ड इज वर्थ, वर्थ मीन्स ऑफ एनी वैल्यू, जिसकी कोई कीमत हो. The third word is beloved. Beloved means someone whom you dearly love, जिसको आप बहुत प्यार करते हो. Then the fourth word is hustle bustle. Hustle bustle क्या, चहल पहल, जिसको हम बोलते हैं. The fifth word is eager. Eager means excited. The sixth word is exchange. And exchange means interchange, अदला बदली करना, interchange करना. Then the seventh word is refuse. And refuse means to say no, mana karna. Then the eighth word is furious. Furious means very angry. The ninth word is giant. Giant means huge, very big. The tenth word is cottage. Cottage means small house. The 11th word is mere. M-E-R-E, mere means only, sirf wohi. And the 12th word is speck. Speck means small mark or small पीस, कोई छोटा सा निशान या छोटा सा टुकड़ा. सो दीज वर दी 12 न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज देम. होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन नीटली इन योर नोटबुक. नाउ आई विल इरेज दीज वर्ड्स एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स. Please start writing the word meanings, children. The first word is belongings. And the meaning of belongings is possessions. P-O-S-S-E-S-S-I-O-N-S. Possessions मतलब कोई पर्टिकुलर चीज जो किसी को बिलोंग करती है ना. दिस चॉक बिलोंग्स टू मी, है ना, जो आपका है ना, जिसपे आपका हक है वो आपका बिलोंगिंग या पोजेशन. देन द सेकेंड वर्ड इज वर्थ, एंड वर्थ मीन्स ऑफ एनी वैल्यू, जिसकी कोई कीमत हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्थ. देन The third word is beloved, and beloved means
डियरली लव, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। देन द फोर्थ वर्ड इज हसल बसल। And hustle bustle means a large amount of noise and activity. A large amount of noise and activity. A large amount of noise and activity. Clear? Then the fifth word is eager. Eager means excited. Eager means excited. Then the sixth word is exchange. And exchange means interchange. So, I hope you have written these six word meanings. I'll revise, then I'll erase and write the remaining word. The first word is belongings. Belongings means possessions. The second word is worth. Worth means of any value. The third word is beloved. And beloved means dearly loved. The fourth word is hustle bustle. And hustle bustle means a large amount of noise and activity. The fifth word is eager. Eager means excited. The sixth word is exchange, and exchange means interchange. So now I'm going to erase these children and write the seventh word meaning. Okay. The seventh word children is refuse. Refuse karna, mana karna, which means to say no. And the eighth word is furious. F-U-R-I-O-U-S. Furious means very angry. Furious means very angry. Bahut gussa karna. Then the ninth word is giant. G-I-A-N-T, giant. Giant means huge, bahut bada. Giant means huge. Then the tenth word is cottage. And cottage means small house. Cottage, small house. The 11th word is mere, and mere means only. Mere, only. The 12th word is speck, and speck means small mark or peace. So these are the 12 word meanings of this lesson. Let's revise. The seventh word is refuse, which means to say no. The eighth word is furious. Furious means very angry. The ninth word is giant. Giant means huge. The tenth word is cottage. Cottage means small house. The 11th word is mere. Mere means only. The 12th word is speck. Speck means small mark or piece. Now, students, these were the word meanings. Now, besides these word meanings, there are some phrases also given in the lesson at the bottom of the lesson. So, let's write the meaning of those phrases also. Jahan apne word meaning likha hai, khatam hua hai, please draw a margin line.
draw a line, parting line, using a scale and pencil, and write the meaning of the phrases. Okay. Children, the first phrase is with a heavy heart. Now, what do you mean by with a heavy heart? This means unhappily. कहते ना बहुत भारी मन से उसने काम किया है ना, बहुत दुखी होके. जब हम किसी चीज के लिए बहुत दुखी हैं तो हम उसको उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रेज विद अ हैवी हार्ट, विच मीन्स अनहैप्पी. विद अ हैवी हार्ट मीन्स अनहैप्पी, बहुत दुखी होके, भारी मन से, दुखी मन से कोई काम करने को क्या बोलते हैं, विद अ हैवी हार्ट. देन द सेकेंड फ्रेज इज recovered his spirits. Now, what do you mean by recovered his spirits? That means खुश होके, फिर से खुश हो जाना है ना. पहले दुखी होना और दुखी होने के बाद जब खुश होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, recovered his spirits. That means was happy again. खुश हो जाना, फिर से खुश हो जाने को क्या बोलते हैं, रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स. नाउ द थर्ड फ्रेज इज लुक्ड ओवर. नाउ व्हाट डू मीन बाय लुक्ड ओवर? ध्यान से देखना, लुक्ड केयरफुली, लुक्ड केयरफुली. लुक्ड ओवर मीन्स looked carefully. Then the next phrase is had a kind expression. Now what do you mean by had a kind expression? It means looked with tenderness, बहुत दया के भाव से देखना, looked with tenderness. So these are the four phrases given at the bottom of the pages of the lesson. Children, let's revise them, and I hope all of you have written these four phrases in your English notebook. The first phrase is with a heavy heart, which means unhappily, बहुत भारी मन से, बहुत दुखी होके. Then the second phrase is recovered his spirits, which means was happy again, फिर से खुश हो जाना. Then the third phrase is looked over, which means looked carefully, बहुत ध्यान से देखना. The fourth phrase is had a kind expression, which means looked with tenderness, बहुत दया के भाव से देखना. So now we have written the wow words, word meanings, and the meaning of phrases, children. So now I'm going to read the lesson for you and explain it. So please listen to me carefully as I read this lesson so that even you can pronounce the words correctly. Lesson 5, page number 43, Jack and the Beanstalk. Once upon a time, there lived a poor woman who had a son named Jack. She was ill and Jack was too young to work. Almost all their belongings had been sold to buy food. There was nothing left worth selling. They had an old cow named Daisy, whom they were very fond of. One day, Jack's mother said, "Jack, go to the market and sell our cow, or we shall have nothing to eat." Thus, the next day, with a heavy heart, Jack left for the market to sell their beloved Daisy. For some time, he went along very sadly.
But on seeing the hustle bustle at the market, he soon recovered his spirits. He stood in a corner and started calling out, "Who will buy my cow?" A few farmers looked at Daisy and said, "Oh, the cow is too thin and old." Jack was disappointed as no one came forward to buy his cow. However, he met a farmer at last who looked over the cow and was eager to buy it. Jack asked him, "How much will you buy it for?" The farmer said, "I do not have any money, but I have a handful of magic beans. Would you like to exchange your cow for them?" At first, Jack thought that the farmer was joking, but the farmer had a kind expression on his face. He said, "These are not ordinary beans. They are the most wonderful beans that were ever known. If you plant them tonight, they'll grow up by tomorrow morning and reach the sky." For some reason, Jack could not refuse the farmer, and thus he sold the cow for a handful of beans. Alas, when he got home, his mother was furious and she screamed, "You silly boy, what shall we eat tonight?" Angrily, she threw the beans out of the house. Since there was no food to eat that night, both the mother and son slept hungry. Jack woke up the next morning to find his room dark. He jumped out of bed and ran to the window to see what the matter was. He observed that although the sun was shining brightly outside, but beside his bedroom window, there was a giant beanstalk which seemed to reach the sky. He called out, "Mother, look at this giant beanstalk." His mother came to the window and said, "Of what use will this be to us? Chop it off. We can use it as firewood." But Jack did not listen to his mother's words and thought, "I'll just see where it leads to." With that thought, he stepped out of the window and onto the beanstalk and began to climb upwards. He climbed higher and higher till their cottage looked a mere speck below. So students, this was the reading of lesson 5, Jack and the Beanstalk. Now I'm going to explain this lesson to you. Once upon a time, there lived a poor woman who had a son named Jack. Hai na? Beta, ek time ki baat hai, ki ek bohat poor woman, bohat gareeb aurat, bohat poor woman, she lived with her son Jack. Us poor woman ka ek son tha and uska naam kya tha? Jack. She was ill and Jack was too young to work. And now you can see in the picture, jo wo poor woman thi, wo bahut bimar thi. Hai na? Aur Jack chota ladka tha. To ab bimar aadmi to kaam kar nahi sakta. Aur chota bachcha bhi kaam nahi kar sakta. To abhi sabko pata hai ki to live, everyone requires money, है ना? हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, for food, clothes, everything, and for all these basic needs, we need money. और money कैसे आता है? One needs to work, है ना? मेहनत करके काम करते हैं, तो उसके बदले में हमको money मिलता, and money मिलेगा तभी तो हम food और अपनी basic जरूरतें पूरी कर सकते हैं. Now in this story, the poor woman was ill. ये जो poor वुमन थी ये बीमार थी और इसका जो बेटा जैक था वो छोटा था. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स हैड बीन सोल्ड टू बाय फूड. अब उन लोगों को खाना खाना ही था जिंदा रहने के लिए. अब पैसे कैसे आते? क्योंकि लेडी बीमार थी, पुअर वुमन, और वो जो लड़का था वो छोटा था, तो उन्होंने घर की सारी चीजें ऑलमोस्ट अपनी सेल कर दी थी, बेच दी थी, ताकि जो भी उन सामान को बेच के जो पैसा मिले उससे कि वो खाना लाके खा सके. There was nothing left worth selling. अब उनके घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा था कि जिसको वो बेच के और अपने लिए खाना ला सके. They had an old cow named Daisy, whom they were very fond of. अब उनके पास एक old, है ना, बूढ़ी एक cow थी. And cow का नाम क्या था? Daisy. और दोनों ही cow को बहुत प्यार करते थे,
वो जो डेजी ओल्ड काउ थी वो उन दोनों की बहुत ज्यादा प्यारी सी काउ थी। वन डे जैक्स मदर सेट, जैक गो टू द मार्केट एंड सेल आवर काउ और वी शैल हैव नथिंग टू ईट। अब एक दिन जैक की माँ ने उसको बुला के बोला कि जैक जाओ, अब हमारे पास घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तुम जाओ और डेजी को मार्केट में जाके सेल कर दो और उसके बदले जो भी पैसा मिलेगा उससे हम फूड खरीद के खा सकते हैं, नहीं तो अगर तुम काउ नहीं बेचोगे तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। Thus the next day with a heavy heart Jack left for the market to sell their beloved Daisy. अब जैक की माँ ने बोला कि खाने को घर में कुछ भी नहीं और अब हमारे पास बस ये काउ है, तुम जाके इस काउ को मार्केट में सेल कर दो और उसके बदले जो फूड आएगा वो हम खा लेंगे। अब जैक को तो बहुत बुरा लगा बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो काउ को नहीं बेचेगा तो उसके घर में खाना कैसे आएगा, तो वो बहुत दुखी मन से विद अ हैवी हार्ट बहुत दुखी होके वो डेजी को लेके धीरे धीरे बेचारा मार्केट जा रहा। दुख क्यों था उसको, क्योंकि वो डेजी को बहुत प्यार करता था, है ना, और कोई भी जो भी हमारी प्यारी चीजें प्यारी जिससे हम प्यार करते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उससे अलग हो, और यहाँ पे तो अब क्योंकि जैक के पास घर में कुछ खाने को नहीं था, वो छोटा था, अर्न नहीं कर सकता था, उसकी मदर ने बोला कि अगर हमें फूड खरीदना है तो उसके लिए हमें इस काउ को बेचना पड़ेगा, तो जैक बहुत दुखी होके वो धीरे धीरे अपना दुखी मन से विद अ हैवी हार्ट वो काउ को लेके मार्केट की तरफ गया कि चलो अब मैं इस काउ को बेचूंगा और उसके बदले जो मुझे मनी मिलेगा उससे मैं फूड खरीदूंगा। वॉज जैक हैप्पी? नो, ही वॉज वेरी सैड बिकॉज ही रियली लव्ड हिज काउ डेजी अ लॉट। सो जैक अपना धीरे धीरे विद अ हैवी हार्ट वो कहां गया, काउ को लेके उसको बेचने के लिए मार्केट में गया। For some time he went along very sadly, but on seeing the hustle bustle at the market, he soon recovered his spirits. अब थोड़ी देर तो जैक बहुत दुखी मन से धीरे धीरे जा रहा था काउ को लेके मार्केट, बट जैसे ही वो मार्केट में पहुंचा उसने मार्केट की जो चहल पहल शोर शराबा हल्ला गुल्ला देखा तो वो तुरंत खुश हो गया। छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे तो आप जानते हो कि थोड़ी देर में दुखी होते रोते थोड़ी देर में हंस देते, तो जैक ने भी जब मार्केट में शोर शराबा हसल बसल चहल पहल दुकानें देखी तो वो भूल गया कि वो मतलब दुखी था एंड ही वॉज हैप्पी अगेन। ही सून रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स मीन्स वो फिर से खुश हो गया। ही स्टूड इन अ कॉर्नर एंड स्टार्टेड कॉलिंग आउट हु विल बाय माई काउ। मार्केट में जाके जैक एक कॉर्नर में खड़ा हो गया एंड जोर जोर से चिल्लाने लगा, हु विल बाय माई काउ, मेरी काउ कौन खरीदेगा। अ फ्यू फार्मर्स लुक्ड अप डेजी एंड सेड, ओ द काउ इज टू थिन एंड ओल्ड। अब जैक कॉर्नर में खड़े होके जब जोर से चिल्ला रहा था हु विल बाय माई काउ, हु विल बाय माई काउ, तो कुछ फार्मर्स जो है वो आए, उन्होंने डेजी को ध्यान से देखा और उन्होंने क्या बोला, द काउ इज टू थिन एंड ओल्ड। अब क्योंकि जैक और उसके मदर तो बहुत पुअर थे, उनके पास काउ को खिलाने के लिए कुछ होगा नहीं और जब काउ खाएगी नहीं तो वो तो दुबली हो ही जाएगी, है ना, एंड वो ओल्ड थी, तो फार्मर्स ने डेजी को देख के बोला द काउ इज टू थिन एंड ओल्ड, की तो बहुत पतली सी काउ है और बहुत ही ओल्ड है। जैक वॉज डिसअपॉइंटेड एज नो वन केम फॉरवर्ड टू बाय हिज काउ। अब जैक सोच रहा था कि मैं तो मार्केट में डेजी को लेके आया हूँ, कोई भी उसको खरीद लेगा, उसके एक्सचेंज में मुझे मनी देगा जिससे मैं फूड लेके जाऊंगा, बट जो भी लोग थे फार्मर्स थे जो भी काउ को देख रहे थे दे फाउंड अ वेरी ओल्ड एंड थिन, तो कोई काउ को खरीदने आ ही नहीं रहा था। सो कोई भी काउ को खरीदने नहीं आ रहा था, तो अब जैक डिसअपॉइंट हो गया, जैक की उम्मीद खत्म होने लग गई, यार मेरी काउ को तो कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। सो ही वाज शाउटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द मार्केट कि हु विल बाय माय काउ। जैक डेजी को बेचने क्यों गया, क्योंकि उनके पास घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। मदर ने बोला कि तुम जाओ डेजी को मार्केट में सेल करके आ जाओ और उसके बदले जो भी मिले मनी मिलेगा उससे हम फूड खरीद के खाएंगे। जैक बहुत दुखी होके काउ को लेके मार्केट गया विद अ हैवी हार्ट बिकॉज ही रियली लव दिस काउ डेजी, ही डिडंट वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम हर, बट कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर काउ को नहीं बेचता तो खाना कहाँ से मिलता, तो वो दुखी मन से जा रहा था। बट वेन ही रीच द मार्केट, मार्केट का जब जैक ने हसल बसल देखा तो ही वॉज हैप्पी अगेन। And then he stood in the corner of the market and he started shouting, who will buy my cow? But जो farmers cow को देखने आ रहे थे वो क्या बोल रहे थे, the cow is too thin and old.
फाइन। सो जैक अब धीरे धीरे डिसअपॉइंट होने लग गया कि मतलब मेरी काउ को तो कोई भी खरीदने आगे आ ही नहीं रहा। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे टिल हियर ओनली, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज रीड लेसन 5 अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल व्हेन आई एक्सप्लेन एंड डू द एक्सरसाइजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Have a good day ahead.